रामनगर में हाथी का आतंक जारी है। कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज में हाथी ने तांडव मचाया। टेढ़ा गांव में हाथी ने मंदिर में उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी ने मंदिर को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत ये रही कि इस दौरान पुजारी मंदिर में नहीं थे। देखिए कोसी रेंज में हाथी का किस तरीके से आतंक है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाथी ने वहां पर उत्पात मचाया है। वहीं रुड़की के मानकपुर आदमपुर गांव में कई ग्रामीण डेंगू की चपेट में आ गए। डेंगू के मरीज अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, मगर ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ खानापूर्ति के लिए एक दिन के लिए गांव में जांच के लिए आया था, जिससे साफ है कि अधिकारी इस ओर गंभीर नहीं है। वहीं रुड़की में सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में बाइक सवार बच्ची को मारता दिख रहा है। घायल बच्ची को बहरहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पड़ताल कर रही है। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखिए रुड़की से तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाइक ने टक्कर मारी है। खौफनाक सड़क हादसा, बाइक आगे की तरफ आ रही होती है, बच्ची दौड़ रही होती है और इस दौरान बाइक तेजी से आते हुए टक्कर मार देती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बाजपुर की तस्वीर। बाजपुर में सीएनजी गैस के सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। आग धीरे धीरे फैलती गई। ट्रक में लगी आग की चपेट में आकर पास में लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कैसे भरा हुआ ट्रक था डीसीएम, तो उसको सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को अवेयर किया गया था। तो उसके बाद तत्काल ही मौके पे टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को लीकेज करवा दिया गया है और कोई ऐसा कोई हादसा नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। वही दुनिया की एक बड़ी तेल कंपनी के एक अधिकारी को चमोली पुलिस ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया है। ये मामला 10 जुलाई का बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल जाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि विदेशी नागरिक चमोली में फूलों की घाटी क्षेत्र में सैटेलाइटनर फोन का इस्तेमाल कर रहा था। जुलाई माह की घटना है जिसमें एक ब्रिटिश पासपोर्ट धारक जो फूलों की घाटी घूमने आए थे, जिनका नाम फर्ग्यूस एयान मैक्लियोड था, उनके पास एक प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने गोविंदघाट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था और विवेचना अभी प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में दहशत का सबब गुलदार मिल चुका है। आखिरकार जो गुलदार है वो पकड़ा गया। ये गुलदार रायपुर रेंज में लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ था, मगर वन विभाग ने गुलदार को पकड़ लिया। गुलदार के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। तो रायपुर इलाके में गुलदार की वजह से दहशत बनी हुई थी। जब गुलदार को पकड़ा गया तब जाकर वहां के लोग सुकून में आए, राहत की सांस ली। त्योहारी सीजन में छुट्टियों के चलते टिहरी बांध की झील में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए टिहरी झील पहुंच रहे हैं। टिहरी झील में पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी बांध की विशालकाय झील इन दिनों पानी से लबालब भरी हुई है। पहाड़ों के बीच पानी से भरी लबालब झील पर्यटकों का मन मोह रही है। तो टिहरी झील के दीदार के लिए पर्यटकों का, सैलानियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। त्योहारी सीजन की छुट्टी है, इसकी वजह से पर्यटक और भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।